Hello students, in this video we will discuss patterns in whole numbers. We shall try to arrange numbers in elementary shapes made up of dots. Numbers ko dots ke shape mein, dots ke pattern mein arrange karna hai. The shapes we take are a line, a rectangle, a square and a triangle. Every number should be arranged in one of these shapes. No other shape is allowed. Yani ki dot patterns banane hai whole numbers ke. और शेप क्या लेना है, या तो लाइन या रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर ट्रायंगल. नाउ एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन. देखिए यहाँ पे वन को अगर लाइन से रिप्रेजेंट कराऊँ तो वन तो सिर्फ एक डॉट होगा. उसके बाद आप देखिए टू है या फिर थ्री है या फिर फोर है या उसके बाद कोई भी नंबर, हर एक नंबर को आप लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सम नंबर्स कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स. नंबर सिक्स कैन बी शोन एज रेक्टेंगल. नोट दैट देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स. ये है टू इंटू थ्री. रोज जो होते हैं वो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं. तो यहाँ पे दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं. यहाँ पे लिखा है सम नंबर्स कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स. क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स को रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए फाइव है, यहाँ पे एक डॉट कम पड़ जाएगा, यानी कि ये रेक्टेंगल में नहीं हो पाएगा. फिर देखते हैं सिक्स का अगला नंबर, इसका रेक्टेंगल बनता है कि नहीं. तो सिक्स के बाद सेवन आता है. मान लीजिए यहाँ पे फोर डॉट्स लगा है और यहाँ पे थ्री ही बचेगा, फिर यहाँ भी नहीं बना. अब अगला देखते हैं एट. तो यहाँ पे एक और डॉट लगा देंगे तो एट हो जाएगा, यानी कि एट को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये है टू इंटू फोर. दो यहाँ पे रोज हैं और चार कॉलम्स हैं. अगेन नाइन को देखते हैं कर सकते हैं या नहीं. ये एट हो गया और यहाँ पे एक डाल तो ये क्या हो गया नाइन. लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल बना नहीं बना. अगर यहाँ पे एक और डॉट लगाएं तो ये हो जाएगा टेन, यानी कि टेन का रेक्टेंगल बन गया. नाउ सम नंबर्स लाइक फोर और नाइन कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड एज स्क्वेयर्स. अब कुछ नंबर को स्क्वेयर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे नंबरों को? जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं, जैसे टू का स्क्वायर यानी कि टू इंटू टू ये हो जाता है फोर. स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना. जैसे टू का स्क्वायर निकालने के लिए टू को टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे. थ्री का स्क्वायर निकालने के लिए थ्री को थ्री से ही करेंगे, हो जाएगा नाइन. फिर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का ट्वेंटी फाइव, सिक्स का थर्टी सिक्स, इसी तरह से. तो ऐसे जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनको हम लोग इस तरह के डॉट पैटर्न में स्क्वायर बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्क्वायर का मतलब होगा कि जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नाउ सम नंबर्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल्स. देखिए ऐसे थ्री सबसे छोटा नंबर जो ट्राइंगल बनाता है वो है थ्री. फिर सिक्स को देखिए. अब मान लीजिए इसका अगला नंबर पता करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे एक एक डॉट लगा दीजिए और एक डॉट एक्स्ट्रा बना दीजिए. तो ये नंबर क्या हो गया टेन. अब फिर इसके नीचे एक एक डॉट लगा करके एक और एक्स्ट्रा बनाइए, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन. यानी कि किसी नंबर का ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए आप मान लीजिए 16 का पता करना है तो पहले एक बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक लगाएंगे और एक एक्स्ट्रा. इस तरह से एक एक एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाएंगे. ये हो गया 10, ये हो गया 15 और 16 के लिए यहाँ पे, लेकिन ट्राइंगल नहीं बन रहा है. इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा इसका ट्राइंगल बनेगा. तो डॉट लगाते जाते हैं. था 16, 17, 18, 19, 20, 21. यानी कि नेक्स्ट नंबर हो गया 21. नोट दैट द ट्राइंगल शुड हैव इट्स टू साइड्स इक्वल.
The number of dots in the rows starting from the bottom row should be like 4, 3, 2, 1. The top row should always have one dot. यानी कि one dot से start करेंगे और बढ़ाते चले जाएंगे. दो side equal होना चाहिए. कौन सा side? यहाँ पर देखिए, कॉलम में और रो में सेम ही नंबर ऑफ डॉट्स हो तो वो इक्वल साइड हो गया. पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स कैन गाइड यू इन सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस. कई बार हम लोगों को मेंटल मैथ्स करना होता है. ऐसे मान लीजिए हम लोग सब्जी खरीदने गए, कितने पैसे देने हैं, फिर वो रिटर्न कितना करेगा, इसको जांचने के लिए हम लोगों के पास कोई पेन पेपर नहीं होता है. तो मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं? अब मान लीजिए आपको यहाँ पे 117 + 9 करना है, तो 10 होता है, सॉरी 9 होता है, 10 - 1. तो 9 को 10 - 1 अगर इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर हम लोगों को 117 + 10 करना होगा. तो उसको करना ईजी, 127 हो जाएगा. उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 126 हो जाएगा. उसी तरह से 117 - 9 अगर करना हो तो 117 - 10 करेंगे. और चूंकि 9 घटा था, हम लोग एक ज़्यादा घटा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +1 कर देंगे. तो ये हो जाएगा 107 और +1 करेंगे तो ये 108. अगेन 117 + 99 को लिख सकते हैं 100 - 1. फिर ये हो जाएगा 217 - 1 यानी कि 216. इसी में आगे जाकर के देखिए, Does this pattern help you to add or subtract numbers of the form 999,999? तो देखते हैं, मान लीजिए 5 को इससे इंटू करना है. अब इस नंबर में सारे के सारे 9 है, जिसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 10 लाख. तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 10 लाख -1. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, 5 को 10 लाख से इंटू करेंगे, कितना मिलेगा? 50 लाख. माइनस का साइन लगा के फिर 5 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? 5. अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो देखिए सारे जीरोज हैं, यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे तो सारे जीरो क्या 9 बनते जाएंगे. लास्ट में आएगा 10, तो 10 - 5 = 5. और जितने जीरो हैं उतने 9 लगा दीजिए और ये बन जाएगा 4, चूँकि हम लोगों ने कैरी लिया था. तो ये नंबर हो जाएगा 49,99,995. तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने में इजी हो गया. अब यहाँ देखिए, 96 × 5 करना है. क्या किया है? 5 को लिखा है 10/2, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 10/2 = 5 होता है. अब ये 96 × 10 यहाँ पे हो गया 960 / 2, और उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 480. ये आपके क्रिएटिविटी पर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मन में, या पेपर पे भी करना हो तो कौन सा तरीका अपनाएंगे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ना एक्सरसाइज 2.3. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. ए बी सी डी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसमें जीरो नहीं होगा ये जानना है. देखिए 1 + 0, तो आप जानते हैं कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है. किसी भी नंबर में जीरो जब जोड़ देते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, यानी कि ये 1 ही रहेगा. 0 × 0, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो जीरो हो जाएगा. यहाँ जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा जीरो. 0/2, आप जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें भी जीरो मिलेगा. अब 10 - 10/2, ऊपर में 10 - 10 वो जीरो हो जाएगा बाई टू, तो ये दोनों ऑप्शन तो बराबर होगा, ये भी हो जाएगा जीरो. यानी कि सारे जो नंबर्स हैं बी सी डी ये जीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वन जो है वो ए जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन जीरो हो,
तो उनमें से कोई एक ही नंबर जीरो होगा या उनमें से दोनों नंबर जीरो होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, जस्टिफाई का मतलब होता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए उदाहरण देना। तो देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, आइदर वन ऑफ देम इज जीरो और बोथ ऑफ देम आर जीरो, यानी कि दोनों में से कोई एक भी जीरो हो सकता है और दोनों भी जीरो हो सकते हैं। क्यों? एग्जाम्पल में देखिए, फोर इंटू जीरो कितना होगा? जीरो। यहाँ पे दो नंबर हैं, इसमें एक ही जीरो है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट है जीरो। यहाँ है जीरो इंटू माइनस वन, माइनस वन एक नेगेटिव इंटीजर है जो आए के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करिएगा, जीरो ही मिलेगा। अब यहाँ दोनों नंबर जीरो हैं फिर भी जीरो आ रहा है, यानी कि दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, उनमें से कोई एक भी जीरो हो सकता है और दोनों भी। नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन? अगर किन्हीं दो होल नंबर का प्रोडक्ट वन हो तो उनमें से कोई एक ही वन होगा या दोनों को वन होना पड़ेगा? देखते हैं, इसमें एक वन है लेकिन फोर इंटू वन क्या हो जाएगा? फोर, लेकिन हम लोग को तो वन चाहिए, तो वन इंटू वन, दोनों को ही वन होना जरूरी है तभी वन आएगा। वन को किसी और नंबर से इंटू कर दीजिएगा तो वो ही नंबर मिल जाएगा, चूँकि वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नाउ फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर ए ऑफ फोर, 728 इंटू 101। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, तो 101 को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 1। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जो भी लॉ यूज करिए उसे लिखिएगा जरूर। 728 इंटू 100, अब प्लस का साइन देंगे तो 728 इंटू 1। अब बॉडमास रूल से मल्टीप्लीकेशन पहले आता है एडिशन से, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 इंटू 100 ये हो जाएगा 700, सॉरी ये हो जाएगा 72,800 और ये 728, दोनों को ऐड करेंगे तो 73,528। नाउ 824 इंटू 25, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने के लिए क्या करेंगे? 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5। एक और मेथड है, आप इसको 30 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 800 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5, यानी कि 16,480 प्लस 4,120, यानी कि 20,600।